So good morning to everyone and welcome back to my channel. Once again it's me Lakpa and you're watching Kawasaki Life. So फिलहाल अभी हम कर्सिंग पर जो कि आपको पता चल ही गया जो कि टावर देखकर और अभी फिलहाल हम सुबह सुबह निकले हैं एक छोटा सा राइड पर. लेकिन आज मुझे राइड करने का मन नहीं था लेकिन भाई बोल रहे कि मुझे भूत देखना है बोलकर तो मैं सोचा इसको भूत दिखाने के लिए लेके जाऊँ कहाँ पर, क्योंकि देखो हमारा सिलीगुड़ी में भूत का इलाका तो वहाँ पर कुछ है भी नहीं, बस जंगल है और जंगल में भूत तो नहीं ज़्यादा हाथियों में मिलता है. सो मैंने जब गूगल में जब सर्च किया कि हॉन्टेड प्लेस नियरेस्ट इन सिलीगुड़ी तो हमें दिखा कि कर्सिंग के सामने एक है जो कि हमारा डाउहिल, जो कि हमको भी पता है डाउहिल है वहाँ पे, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि कितना हॉन्टेड हिल स्टेशन है. हाँ, इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हिल स्टेशन जो कि हमारा कितने नंबर पर आता है भाई? फर्स्ट नंबर पे आता है. सच में ओ यार, तो विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप वी विल गो देयर एंड वी विल शो यू द 100 प्लेस. एक्चुअली वो एक पुराना स्कूल है जो कि ब्रिटिश ज़माने का, तो उसका एक हिस्ट्री है, उसका एक अलग ही कहानी है. तो कहानी तो मुझे उतना पता नहीं, लेकिन आज लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक बिना मुंडी का एक भूत रहता है. सो चलिए फिर देखते हैं, अगर दिखता है तो आपको दिखाएंगे. लेकिन इतना सुबह हम आए रात को और शाम को यहाँ पे चलना मना है कहते हैं वहाँ के लोकल लोग. तो चलो कोई नहीं, आपको लेके जाएंगे वहाँ पर. और हो सके तो एक जाते समय हम लोग वहाँ पर एक हनुमान जी की स्टैचू है वहाँ पर जाके एक आपको बढ़िया सा ड्रोन शॉट दिखाएंगे. सो फिलहाल एक ड्रोन शॉट हम लोग यहीं पे उड़ा देते हैं ना टावर का. सो चलिए फिर थोड़ा सा इंजॉय करें इस ड्रोन शॉट को. तो फिर गाइस होप आपको आज का ड्रोन शॉट पसंद आएगा जो कि हमारा कर्सिंग टावर का और हमारा जो कि हनुमान स्टैचू. मैंने सोचा था हनुमान स्टैचू जाके वहाँ पे एक बढ़िया ड्रोन शॉट होगा, लेकिन सोचा जब ड्रोन है ही तो फिर वहाँ पे जाना क्यों, ड्रोन को ही भेज देते हैं वहाँ पे. सो जो कि आपने देखा जो कि ड्रोन शॉट्स. तो फिलहाल अभी बिना देरी करे हम लोग चलते हैं डाउल की ओर और जाके हम आपको वहाँ डाउल का व्यू भी दिखाएंगे कैसा है क्या नहीं. तो यहाँ से दिखा रहा है 2 किलोमीटर अवे, क्योंकि देखेंगे कहाँ पे है वो. और अभी का जो मौसम है काफ़ी सुहाना, एकदम बढ़िया वाला सनराइज, वेदर भी एकदम क्लीन, वहाँ का जो व्यू देखो क्या मस्त व्यू है यार. आहा, ये तो एलिटा है यार ना. डाउल जाने बाटो कुछ कति टाड़ो से यहाँ देखें 1 किलोमीटर है ला. तो ये है हमारा एलिटा जो कि हमारा सबसे एक्सपेंसिव होटल और जो कि वहाँ पे उद्घाटन के टाइम पे शायद शत्रुघ्न सिन्हा है ना कुछ आया थे, सॉरी नॉट शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि हमारा साउथ इंडियन का फेमस हीरो जो कि एन्ना रस्कल माइंडेड क्या नाम है उनका, वही आए थे. मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ बट स्टिल डाउल मैंने सुना है बट अभी तक डाउल मैंने नहीं आया था. तो सोचा चलो एक वीडियो में एक कंटेंट मिलेगा मुझे सो देट आपको भी दिखा दूँ जिस जिसने नहीं देखा होगा. और अभी फिलहाल मैं हम पूछते जा रहे हैं और डाउल का एक अलग ही कहानी है. जब आप पढ़ोगे तो आपको डर लगेगा लेकिन आप जब यहाँ पे आओगे तो उतना वो सब फील नहीं होगा क्योंकि
यहाँ पे आदमी लोग चलते ही रहते हैं, लेकिन जो वहाँ पे लोकेशन है वो थोड़ा सा कैसा है, सुनसान है या क्या है, मुझे कुछ भी नहीं बताया। चले फिर चल के देखते हैं और आपको दिखाएंगे। ओहो हो हो, तो पुराना पुराना घर सब है यहाँ पे। ये स्कूल है क्या? बक ये स्कूल है वो। और यहाँ पे एक तो पुराना मैंने घर भी देखा था, पुराना वाला। देखो स्कूल तो यही है, इतना बता। ये तो स्कूल है बका। ये तो स्कूल है। स्कूल है ना? हाँ। दावेल का हॉन्टेड स्कूल यही तो है। ये नहीं है साला, ये तो अभी चालू वाला जो है वो बंद है, वो अभी स्कूल। कुछ आइडिया नहीं है, कुछ रुक जाए तो थंबनेल मार दो पहले। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, हमने सोचा ये वाला होगा स्कूल जो कि 100 वाला, लेकिन अभी मैंने वहाँ पे पूछा, हमने पूछा वहाँ पे जाके जो कि सिस्टर से, तो वो कह रहे थे कि वो जो डाउन स्कूल तो ये है, लेकिन जो पुराने स्कूल है वो जंगल के बीच पे है। जाने का एक हिम्मत भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों एक अलग सा डर आ रहा है मुझे मन पे। तो जब यहाँ आ ही गए तो चल जाके देख ही लेंगे ना। चल फिर बैठ भाई, पूछ तो भाई आदमी लोग है कि नहीं, डर लग रहा है मेरे को तो। पूछ ना आदमी लोग, वहाँ गाँव है, पूछ तो। उधर गाँव है। चल बैठ। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 360 व्यू, जो कि आप 360 का व्यू एंजॉय कीजिए, और आपको इधर उधर कहीं भूत नज़र आए तो कमेंट करके बता देना। सो एंजॉय कीजिए 360 शॉट को और चलते हैं आगे की ओर। तो जो 100 चर्च है वो वाला, वो एक्चुअली गार्ड रहते वहाँ पे, तो गार्ड की वजह से शायद वहाँ पे जाने नहीं देगा बोल रहा है गाँव का लोग, लेकिन अगर गार्ड नहीं मिला तो आप लोग जा सकते हैं अंदर की ओर, कह रहे थे। जाके देखते हैं, सच में यार अलग ही एक इसमें इसका एक अलग ही कहानी होगा शायद। ओम माने पे में ओम। ओ ओके जाए क्या? हाँ चर्च अंकल, यहाँ जानु दिन्छ? जानु दिन्छ उता अगाडि किन? यदि घुम्न आएको नि त दिँदैन है? बाहिर कहाँ देख्छ? बाहिरबाट देख्छ देख्छ, जानु दिन्छ गेटसम्म जानु दिन्छ। ए ल ल ल। तो गाइस देखिए थोड़ा सा ये 100 है, इसको माना गया है, ये अप्रूव भी है। सो गवर्नमेंट ने इसको इस टाइम भी लगा थप्पा लगा दिया है कि ये तो, ये देखो पुराना चर्च है यहाँ पे। तो इसके अंदर हम लोग को जाने नहीं देगा लोग, तो हम लोग बाहर ही से, एक अलग ही हवा आ रहा है यहाँ पे। देखिए 100 चर्च। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल पे एरिया नो एंट्री बाय ऑर्डर। उठो उठो उठो, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। सो ये है हमारा जो कि विक्टोरिया बॉयज स्कूल, जो कि पुराना, अभी शायद स्कूल यहाँ पे बंद हो चुका है, बस अभी इसको पूरा सरकारी शायद गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ही बंद कर दिया होगा ना ये। सो यहाँ पे काफ़ी हादसा वादसा गाँव के लोगों को द्वारा सुनने में आया, तो इस कारण से ये अभी बंद है और हमको इधर अंदर जाने का अलाउ नहीं है। सो बाहर ही से आपको दिखा दे रहे हैं, जो कि ये है चर्च, जो कि 100 चर्च, जो कि पुराना चर्च। ये चर्च अभी बंद है। हाँ सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जो कि 100 प्लेस, जो कि हमारा स्कूल, हमारा नहीं 100 स्कूल, जो कि विक्टोरिया बॉयज़ एक्चुअली था बॉयज़ स्कूल। और सुनने में आता कि यहाँ पे एक जो कि भूत है जिसका मुंडी नहीं है, वो कई किसी का हार्म नहीं करता है, लेकिन है। हाँ हार्म नहीं करता अब तक किसी को, और गाँव के लोग ने कई बार देखा है। क्या बोलते उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं उसके यार? पूर्णी ये दीदी ना। हजर ए ल ल ए हुन्छ यहाँ चाहिँ नि जुन चाहिँ छ स्कुल यही है? ए गभर्मेन्टको प्रपर्टी हो होइन, घुम्नु लाग्छ
ल हामी निस्किहाल्छु ल किनभने गाडी अहिले माथि घर गाउँछ त अब बाइक स्कुटी र अब उकार ओह्रालो गर्छ होइन हजुर हजुर ल ल ठिकै हो हुन्छ ए हुन्छ ठिकै फेरि तो अभी इन्होंने कहा कि ऊपर जाने का अलाउ नहीं तो हम थोड़ा सा उनका पालन करते हैं और ये हमारा चुकी चर्च जो कि 100 चर्च भी कह सकते हैं या फिर 100 स्कूल वहाँ पे है तो फिर ये था आपको दिखाना ज़्यादा ऊपर अब अलाउड भी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिटेड है एरिया सब और ये पूरा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो ज़्यादा इधर पार्किंग करना भी नहीं है क्योंकि उधर ऊपर में गाँव है बोल रहा है चलिए 360 व्यू से आप लोग देख लेना यहाँ पर ड्रोन अलाउ नहीं है काका आप कहाँ का है हम यहाँ का ही है यहाँ पे जो भूते स्कूल कौन सा ये ना ये है जो सुनाया जाता है ना हल्ला यहाँ पर भूत कुछ नहीं है नहीं लेकिन ये तो हल्ला है ना यो यो है लेकिन हमें बोला ना It was at this moment that he knew he fucked up चर्च है कि स्कूल है चर्च में है चर्च अच्छा ये स्कूल है पुराना ये तो स्कूल है अच्छा ये हॉस्टल है स्कूल वो है स्कूल वो है 100 में जो सुनाया जाता है यही है देखा ये साला गांडू ये बोल रहा था ठीक है धन्यवाद काका हुन्छ सो गाइस ये मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा था एक्चुअली जो 100 चर्च ये वाला है जो कि अभी यहाँ पे जाए हॉस्टल है हॉस्टल 100 था हॉस्टल में बच्चा लोग बहुत दिखता था ना तभी तो बंद किया गया तो ये एरिया ही है ना तो हाँ। वो तो एरिया को लोग अभी सील कर दिया है तो यही है थोड़ा सा ज़्यादा मैं बाबा नहीं करेंगे मुझे डर लग रहा है कौवा वो यहाँ पे निकल रहा है तो एक वहाँ पे हम लोग थम ले मांगे यहाँ से हम निकल देंगे क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा वो लोग कहने के ज़्यादा घूमने का प्लेस ये है नहीं एक्चुअली बट स्टिल आदमी लोग आ जाते हैं यहाँ पे दिखाने को और वैसे हम भी आ गए यहाँ पे पूछते पूछते सो ये था हमारा 100 स्कूल एक बार फिर आप लोग देख लेना अब चल भाई चल चल अब मेरा फोटो नहीं मारोगे अपने अपने फोटो मारोगे बस तो फिर गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर जो कि आज का 100 प्लेस पे हम लोग विजिट कर लें तो एक मन में डर तो था बट उसका कुछ शायद हल्ला भी हो सकता है लेकिन आदमी लोग कह रहे थे कि ज़्यादा वहाँ पे हर किसी को नहीं दिखता है उसको दिखने के लिए एक लक होना चाहिए और किसी को अब तक हार्म तो नहीं किया है बट स्टिल कभी कोई जैसे मैंने आपको कहा जो कि लूनर इक्लिप्स या गाँव के लोग कहते हैं इस तरह से और अब देखो भाई शायद दिखता था वो इसलिए तो वो बैंड है अभी ना हाँ ऊपर से ऊपर से और आपका ये जो जो ये वाला जो न्यूज़ है वो एकदम पक्का है ऐसा कोई समझना कि ये झूठा है बोलकर इसलिए वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ने पूरा सील करके रख दिया उस रस्ते उस जो चर्च को या फिर वो स्कूल को अब वो पूरा जितना कि वहाँ का देखभाल है पूरा सरकार करती है जो कि हमारे स्टेट का ना तो अब उन्होंने कहा कि आप अलाउ नहीं करेंगे ऊपर जाने को सो शायद कुछ यहाँ पे सीक्रेट हो सकता है चलो कोई नहीं आपको दिखा दिया हमने भी देख लिया तो अब चलते हैं घर की ओर तो जाके फटाफट रोनी के वहाँ पे कुछ खाएंगे वहाँ रोहिनी वाला जो है ना आई लव क्रशिंग वहाँ पे कुछ खाएंगे ठीक है तो चलिए फिर अभी टाइम हो रहा है आपका 8:30 सो लेट्स मूव और मिलते हैं आपको डायरेक्टली क्रशिंग रोड पर तो ये फिर गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा जो कि हमारा डाउवेल 100 प्लेस जो कि 100 चर्च 100 स्कूल और उसके बाद हम लोग आते आते आपने अब वो जो हनुमान जी वहाँ पे दिख रहा है हनुमान जी का ड्रोन शॉट जो कि हमारा कर्सिंग टाउन का ड्रोन शॉट जो कि हमारा कर्सिंग टाउन सारा शॉट्स आपको मैंने इसी एक ही वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा फिलहाल अभी हम लोग हैं आई लव कर्सिंग व्यू पॉइंट पर जो कि फिलहाल ये है हमारा रोहिणी वाला रूट तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा कृपया करके लाइक और कमेंट करना अगर कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या फिर कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो सो ये वाला जो रेस्टोरेंट काफ़ी कूल लगता है मुझे जो कि हमारे रोहिणी में है यहाँ पे बैठ के खाओ और आराम से ड्रोन शॉट उड़ाते जाओ ड्रोन शॉट उड़ाते जाओ बढ़िया मज़ा आता है यहाँ के जो कि ड्रोन शॉट देखे व्यू पॉइंट्स एक प्रकार का ये हमारा टूरिस्ट एरिया ही है अगर बाहर से कोई कोलकाता कोई दूर दूर से आता है तो यहाँ पे लोग होल्ड करके यहाँ पे फ़ोटो खींचा के जाता है क्योंकि ये हमारा काफ़ी अच्छा प्लेस है तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं मिलते रहेंगे आपको कुछ इसी तरह कुछ अच्छे अच्छे वीडियो लाते हुए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हुए सो चलिए फिर इजाज़त दे दीजिए तो बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग My balance. And you know.
started to change.